हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय दानिश। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन लीनियर और नेट डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। आज के जो क्वेश्चन है दैट्स सॉल्व डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। और ये जो क्वेश्चन है दिस वॉज आस्ट इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिसम्बर 2003, डिसम्बर जनवरी 2010 और मे 2011 और 2012। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व, सॉल्व का मतलब है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है। और आपको पता है किसी भी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, कि मतलब अगर मुझे सी एफ और पी आई मिल जाए तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर पाऊंगा। तो पहले हम सी एफ फाइंड करेंगे, उसके बाद पी आई। सी एफ फाइंड करने के लिए मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एफ ऑफ डी में चेंज करूँगा और उसके बाद एफ ऑफ डी को पुट करूँगा जीरो। तो चलिए वही करते हैं। तो ये हमारा अप्रोच है। पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा। तो जब मैं इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा इट विल बिकम डी डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, वाई को मैंने कॉमन निकाला इसी स्टेप में, इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ डी क्या है, मतलब डी की फंक्शन वो ये है। सो मैं लिखूंगा एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन। अब मैं लिखूंगा फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि हमें रूट्स निकालने हैं तो इक्वेशन तो होनी चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करूंगा, पुट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, स्प्लिट बाय मिडल टर्म, डी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से ज़रा डी कॉमन निकालो, अंदर बचेगा डी माइनस वन, यहाँ पर भी डी माइनस वन बचेगा और यहाँ पर माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली आ जाएगा डी माइनस वन एक रूट और दूसरा रूट डी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर डी इज इक्वल टू वन कॉमा वन, ठीक है। तो हमारे रूट्स क्या निकले, रियल, इसमें आयोटा नहीं है और दे आर सेम। तो जब भी हमारे इस टाइप के रूट्स होते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, दैट्स इक्वल टू सी वन पहली टर्म, ई की पावर में रूट लिखेंगे उसके साथ में एक्स, ठीक है। और फिर सी टू, चूँकि ये रूट रिपीटेड है तो ई की पावर एक्स से पहले एक एक्स लिखेंगे और उसके बाद e की पावर में फिर से x। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, c1 c2 को मैं बाहर लिखूंगा, ठीक है, मतलब अंदर लिखूंगा c1 c2 और इसके साथ में c2 के साथ में x भी है और बाहर मैं कॉमन निकालूंगा e की पावर x। सो दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हम करेंगे फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। आपको पता है पी आई की फॉर्मूला होती है 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी इंटू आर एच एस। एफ ऑफ डी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ डी हमने अभी फाइंड करा था, डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, इट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, स्टेप बचाने के लिए, है ना, इंटू आर एच एस। आर एच एस हमारा क्या है, एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब आपको पता है हमारे आर एच एस में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो वो आर एच एस से एल एच एस की तरफ जाती है और वो हमारे डी को डी प्लस ए बनाता है और ए क्या होता है, कोफिशियंट ऑफ एक्स। तो चलिए वही करते, ई की पावर को यहाँ लिया, ई की पावर एक्स को यहाँ लिया, वन डिवाइडेड बाई, जब मैं डी की जगह पे डी प्लस वन करूँगा तो माइनस वन प्लस वन आपस में कट हो जाएंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ डी स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर है और ये चीज़ है एक्स साइन एक्स, ये दो फंक्शंस है, यहाँ पे एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आपको मैंने बताया है वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर का मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन, जैसे जैसे यहाँ पे कभी हमारे पास होता था सपोज एक्स और फिर उससे पहले डी होता था, इसका मतलब है इस एक्स का डिफ्रेंसीशन वो वन हुआ। हाँ, अगर डी स्क्वायर होता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो मतलब इस एक्स स्क्वायर का दो बार डिफ्रेंसीशन वो होता टू, ठीक है। वैसे ही अगर किसी फंक्शन से पहले सपोज एक्स से पहले अगर वन डिवाइड बाई डी हुआ, इसका मतलब है इंटीग्रेशन, इसका अपोजिट, डिफरेंशिएशन का अपोजिट, दैट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे है वन डिवाइड बाई डी स्क्वायर, इसका मतलब है इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले हम इसे एक बार इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम फिर देखेंगे दूसरी बार भी करेंगे। तो जब मैं पहली बार इंटीग्रेट करूँगा एक डी बच जाएगा बाहर, जब मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा, मैं इसको ब्रैकेट में इंटीग्रेट करूँगा, तो आपको पता है यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इस फंक्शन को हम मानेंगे
पहली फंक्शन, इसको मानेंगे हम सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हम कैसे मानते हैं फंक्शन पहली और ये सेकंड, आईलेट फॉर्मूला से, आई एल ए टी ई। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का लॉगरिथमिक, ए का एक्स, ए का होता है एल्जेब्रिक, टी का होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और ई का होता है एक्सपोनेंशियल। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कौन सी फंक्शन है, एल्जेब्रिक, और है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक। पहले कौन सी आई, एल्जेब्रिक, यहाँ पे इस सीक्वेंस पे पहली फंक्शन कौन सी आती है, एल्जेब्रिक, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक उसके बाद आता है तो हम इसे सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसे विच फॉर्मूला, बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, फर्स्ट उसकी फॉर्मूला होती है, फर्स्ट फर्स्ट को ऐसे ही रखो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस एक्स, कितना, माइनस कॉस एक्स। तो ये जो माइनस है ये यहाँ पे लिखो, एक ही बात है, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉस एक्स लेकिन माइनस, ठीक है, और यहाँ पे होल इंटीग्रेशन। इतना समझ में आया, ब्रैकेट को करेंगे हम बंद। फाइनली ये बन जाएगा e की पावर x 1 डिवाइडेड बाई डी, ठीक है, माइनस x कॉस x, और यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस जो है माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, और इंटीग्रेशन आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x किसके बराबर होता है, साइन x के बराबर, साइन x, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, जब मैंने ऐसे इस फंक्शन को एक बार इंटीग्रेट किया, अब हमारे पास फिर से एक डी है तो इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, देखो यहाँ पे ये वाली फंक्शन है, इसके साथ में दो फंक्शंस है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है, तो ये एक्स क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है एक्स, एल्जेब्रिक, कॉस क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, प्लस साइन एक्स, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को अलग से डिफरेंश इंटीग्रेट करेंगे, इस साइन एक्स को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन रूल। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में सब मैं सॉल्व करूँगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इसको ऐसे ही रहने दो, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने किया था, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये माइनस वन आ जाएगा यहाँ पे, मतलब माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड कितना आ जाएगा, साइन एक्स होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स लेकिन माइनस, इसको करेंगे हम यहाँ से बंद, ठीक है। तो ये e की पावर x यहाँ पे आ जाएगा, और देखो ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस आपस में बन जाएंगे प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके बराबर होता है, माइनस कॉस एक्स के, तो वो इस माइनस को भी प्लस को माइनस बनाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी ये कॉस एक्स है, ब्रैकेट को करो बंद। अब देखो e की पावर x माइनस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा माइनस टू कॉस एक्स, ज़रा इस माइनस को बाहर निकालो, ये बन जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, अंदर बचेगा एक्स साइन एक्स प्लस टू कॉस एक्स, सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल, आ गया मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने किया यहाँ पे सी एफ को भी फाइंड किया, पी आई को भी फाइंड किया, अब बस इस इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं लिखूंगा पुट इन इक्वेशन वन, उसको हम नाम भी रखेंगे वन, ठीक है, ये देखो यहाँ पे वन है, तो y इज इक्वल टू, जो हमें फाइंड करना था, सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, इज इक्वल टू सी एफ, सी एफ हमारा कितना है, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस पी आई, पी आई हमारा अभी निकला था यहाँ पे, माइनस ई की पावर एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, और यहाँ पे आएगा प्लस टू कॉस एक्स, सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये आया है पीटीयू में काफ़ी दफ़ा, तो मैंने सोचा इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें बस एक ही ट्रिक याद रखना है कि अगर हमारे पास
दो फंक्शंस हो उन्हें हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। और आपको मैं बताता हूँ उसका फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल। इंटीग्रल ऑफ एक फंक्शन होती है यू और दूसरी फंक्शन होती है वी, अगर हमें इसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना हो दैट्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने इसीलिए सॉल्व किया था, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन हो उसमें अगर हमारे पास तीनों फंक्शंस हो और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है, इस फॉर्मूला को। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, अगर डी स्क्वायर आया इसका मतलब है इस फंक्शन को हमें दो बार इंटीग्रेट करना है। अगर यहाँ पे सिंपली डी स्क्वायर आया तो इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, अगर 1/d² आया तो दैट मीन्स इंटीग्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।